एडी पाठक तो अपने क्लाइंट को बचाकर निकल गया, हम फंस गए। ऊपर से वो पागल कुंवर मुझे ये काटने का निशान दे गया है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी भांजी शाम से गायब है, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। अरे ये तो वही लड़की है जो उस महल में रुकी थी, और जहाँ से वो गायब हुई ना वहाँ से ये मोती मिले हैं। मोती का हार तो कुंवर लाल प्रताप सिंह पहनता है। इस पागल कुंवर ने चुनी उसको, केडी ने बेकार में उस कुंवर को बचाया है। माँ जी आप एक काम कीजिए, आपकी भांजी आखिरी बार जान दिखी थी, हमें वहां ले चलिए। चलिए ये क्या है? पता नहीं, कोई केमिकल लगता है, जांच करवानी पड़ेगी। सर काले पाउडर की रिपोर्ट आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक डिराइव कंपाउंड है जिसका धुआं सूंघते ही कोई भी बेहोश हो जाएगा। सुखमणी को बेहोश करके वहां से उठाया गया। वरुण ये जो पैर के निशान की फोटो लाया है, लीनियर नॉन रेडियल, ये बहुत ही पुराना ड्रेड पैटर्न है। जहां तक मुझे याद है यूएस की कूपर टायर कंपनी ऐसे ड्रेस बनाती थी, और ये क्या डॉज गाड़ी आती थी यहाँ तक तो उनमें लगती थी। कुंवर लाल प्रताप सिंह की रिसर्च जब मैं कर रहा था, एक चित्र देखा था उनका मैंने, ये देखो कुंवर साहब डॉज गाड़ी के सामने खड़े हैं। सर फिर तो कंफर्म हो गया, सुखमणी को कुंवर ने किडनैप किया, पर क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने हमें बैरागढ़ जाना पड़ेगा। वरुण सर दवे, लगता है इंस्पेक्टर दवे हमसे पहले पहुंच गया। हॉरर हवेलियों के दरवाजों में कोई कभी तेल क्यों नहीं डालता? दवे, दवे, दवे कहाँ हो तुम? दवे, अम्मा घड़ी हुकुम। एडी साहब आप अचानक यहाँ इतनी रात को? भैया हुकुम कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर दवे कहाँ हैं? इंस्पेक्टर दवे इस वक्त यहाँ क्यों आएंगे? वो लड़की सुखमणी रह रही थी, वहां से लापता हो गई, और सारे साक्ष्य तो ये कह रहे हैं कि आपके कुंवर साहब उसे उठाकर यहाँ लाए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव सा लगता है हुकुम। वो क्या है कि कुंवर साहब के साथ हर वक्त मैं रहता हूँ, फिर वो सुखमणी को। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए आप इस वक्त यहाँ आए हैं। ये आपके हाथों को ये
कुंवर साहब के लिए मैं मछली काट रहा था तो मछली का खून हाथ में लग गया। दवे 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 कहो तुम? मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर दवे यहाँ नहीं आए हैं, यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर दवे तो आए होंगे क्योंकि उनकी गाड़ी भी तो आई है, तो उनकी गाड़ी में वो बैठ कर आए होंगे ना। क्या गाड़ी? देखिए वैसे बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन ये सच है कि यहाँ कोई आया नहीं है। चले इंस्पेक्टर दवे ना सही, कुंवर साहब तो होंगे यहाँ। हाँ हाँ कुंवर साहब है ना, मैं अभी बुलाता हूँ उनको। क्या देख रहे हैं सर? या मेज पर कुछ समय पहले ठंडे पानी का ग्लास रखा गया था, उसी का निशान है। देख सोफा पर कोई बैठा था, सोफे का कुशन अभी भी दबा हुआ। ये मेरे अनुमान से 9 नंबर के जूतों का नाप है। निशान देख, जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी, हो सकता है दवे के जूतों के निशान हो। तो दवे यहाँ आया था तो फिर हैरो सिंह हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? अब अरुण विश्वा में सब सत्य बोलने लगे तो हमारा काम तो सरल हो ही जाएगा, उनका समय भी बच जाएगा। तो ऐसा है नहीं, जो है वो ये है। मिस्टर केडी, स्वागत है आपका हमारी हवेली में। कहिए मिस्टर पाठक, क्या लेंगे? चाहिए तो दो लोग मुझे, इंस्पेक्टर दवे और दूसरी वो लड़की सुखमणि। यहां कोई नहीं, ना दवे और ना सुखमणि। हाँ वैसे अगर आप लोग चाहें तो खुशी से इस पूरी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो कर ही लेते। तारा सिंह खाने का इंतजाम करो, आज बहुत भूख लग रही। कॉफिन में सोता है? हुकुम, ये क्या किया आपने? इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया आपने, इतनी मुश्किल से बचे थे हम, और अब पुलिस और ये केडी पाठक दोनों हमारे पीछे हैं। फिक्र मत करो भैरव सिंह, अगर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो जानते हम उनकी सांसें रोक देंगे अपने दांतों से।
लेकिन मैं एकदम चुप। एक आवाज निकाली ना तो इस हंटर से मार मार के खाल बाहर निकाल लूंगा, समझे मुन्नो? सर खोखली आवाज दरवाजे के उस पार से आ रही। वो देख चीटियां भी आ रही हैं। थैंक्स वरुण। केड़ी यहाँ नीचे एक तहखाना है। ये देखो खजाने से भरा कमरा, इसको देखो, इसे किंशु की तरह मारा गया है, गले पे दो निशान। जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने इसे इसी हालत में देखा था कि अचानक किसी ने मेरे सर पे वार किया, और मुझे पूरा यकीन है कि उस पागल कुंवर ने मारा होगा। सर जिंदा है। सुपनी उठो, आंखें खोलो सुपनी। पेन का कैप? अरे मुझे लगता है ये पेन का कैप जिस पेन का है उसी पेन की लिखावट इस डायरी में भी है। केड़ी सर, तो बिल्कुल सुखमणी जैसी है। सुखमणी की तस्वीर हो सुखमणी यहां। केड़ी ये क्या राज है? सुखमणी उठो, आंखें खोल। कुछ राज टफ नहीं रहने चाहिए। मत बनो भैरव सिंह। कमाल है, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता था। हुक्म करो, आप में से पहले कौन जाएगा? दवे ये बात तो इन्हें अपने कौर साहब से ही पूछना चाहिए। पूछ लीजिए उनसे। ये बेवकूफ यहां मरेंगे, सब मरेंगे। बेटी मैं कुछ कहूंगा तो तुम कहोगी कि कहता हूं। मैंने तुमसे कहा था इस आदमी का केस मत लो। अरे आदमी नहीं हैवान है, हैवान। कहां है इस कहानी का खलनायक? कुंवर लाल प्रताप सिंह। क्यों पाठक,
खुल गया ना राज। कहा था, कहा था मैंने भैरव सिंह से कि ये केडी पाठक, इसके लिए कुछ भी मतलब कुछ ही नामुमकिन नहीं। अरे भाई, जो आदमी मुझ जैसे पिशाच को खून के इल्जाम से वाइज्जत बरी करा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। चलो खैर, इसी बात पर खाना हो जाए। भोजन की नहीं भूख मुझे ये जानने की है कि आप हैं कौन, ये क्या चल रहा है सब? बड़ी पागल है यार, जो अभी भी अपने आप को वैम्पायर समझ रहा। दवे, इस पागल ने काटा था मुझे, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। नहीं, कोई आम कैदी नहीं है, देखो क्या किया इसने, अभी आते समय मेरे हाथ को काट लिया इसने। दवे, ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे इसका असर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तुम बनोगे मेरी तरह शाह। मैं कहता रहा कहता रहा, लेकिन तुम्हारे केडी पाठक ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवा दिया। अब भुगतो अपनी इस गलती की सजा, भुगतो। अब भूल की है मैंने तो भूल का सुधार भी मैं स्वयं ही करूंगा। तभी गिरफ्तार कर लेना। चलो अंदर, चलो, चल कुंवर, अंदर आराम कर, चल। तू मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर, क्योंकि अगली पूर्णमासी से पहले तेरे बड़े बड़े दांत निकल आएंगे। ए, चुपचाप बैठ अंदर। भैरव सिंह, हमारे लिए रक्त का इंतजाम किया गया है, हमारे रक्त पीने का समय हो गया है। एकदम चुप, आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा, डरा कहीं का। कोर्ट के खिलाफ अब केस फिर से खुलेगा, एक नंबर का पागल है। हाँ पागल है, लेकिन हत्यारा है या नहीं ये अभी तक साबित नहीं हुआ। वरुण, इस केस से जुड़े जो व्यक्ति हैं, सुखमणि, पत्रकार माधव, भैरव सिंह और वो विधायक गगन सिंह, इन पर जरा नजर रख, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर। कुछ तो है वरुण इस केस में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। केडी, दवे साहब कैसे हैं? आपका हाथ कैसा है? ठीक नहीं है, और सुबह से मेरे दांत भी दर्द कर रहे हैं, कल तक कहीं लंबे और नुकीले ना हो जाए। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ये बता, कुंवर साहब का केस लड़ने के लिए कोई डिफेंस लॉयर मिला क्या? नहीं, और सभी उसे डिफेंड करने से मना कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं। तुमने जो गलती की उस दरिंदे को बचाकर, वो कोई दूसरी बार नहीं करना चाहता। केडी, तुझे अद्भुत लगेगा तेरे कि जो गलती मैं पहली बार कर चुका हूं वो तो दोबारा करने जा रहा हूं। क्या क्या केडी, तुम इस बार भी कुंवर सिंह का केस मैं लड़ूंगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हुकुम, मैं मानता हूं कि कुंवर साहब ने ही
इस लड़की सुखमणी को अगवा किया और हवेली लेकर आए। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। लेकिन ये बताइए कि ये कुंवर जी सुखमणी जी के पीछे क्यों पड़े? ये एक लंबी कहानी है हुकुम। जवानी के दिनों में कुंवर साहब को प्रतापगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया, राजकुमारी कौशल्या देवी, जिनकी शक्ल हूबहू सुखमणि से मिलती है। ये रही कौशल्या देवी की पेंटिंग। जब कुंवर साहब की दिमागी हालत बिगड़ गई तो कौशल्या देवी ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन कुंवर साहब उन्हें भुला नहीं पाए। इसीलिए सुखमणि को कौशल्या समझकर वो उसे हवेली उठा लाए, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो मैंने उन्हें रोक दिया। हुकुम, बेवकूफ, क्या करने जा रहा था तू? क्या करने जा रहा था और इसको यहां क्यों लाया? हुकुम, मैं मानता हूं कि यह गलत है, लेकिन कुंवर साहब को नियंत्रण में रखने के लिए मैंने हंटर का प्रयोग किया, और ना कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने जुनून में ये मुझ पर भी आक्रमण कर देते हैं। आपने कुंवर जी को रोका था तो फिर जज साहब सुखमणि जी को काटा किसने? बेवकूफ, हमने काटा था क्योंकि हम पिशाच हैं, और पिशाच अपना प्रेम ऐसे ही जताते हैं। अच्छा अच्छा, पिशाच इसी तरफ। आई थिंक आप इंस्पेक्टर दवे से भी बहुत प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर दवे, वे अपने ये बैंडेज खोल के दिखाएंगे अदालत को। योर ऑनर, साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसी मनुष्य के दांत के निशान है, अर्थात कुंवर साहब के दांत के निशान। किंतु सुखमणि जी के गले पर जो निशान है योर ऑनर, वो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार किसी चमगादड़ के काटने के। ऑर्डर, ऑर्डर। साहब, मुझे इस आदमी ने ना मेरे घर से बेहोश करके अपने हवेली के तहखाने में कैद कर दिया और मेरे सामने आ गया मुझे काटने। और फिर चमगादड़ से आप पर अटैक करवाया, राइट? पता नहीं साहब, क्योंकि मैं बेहोश थी और जब मुझे होश आया तो मेरे गले पे निशान था और मेरे सामने केडी सर और पुलिस थी। मतलब कुंवर साहब ने अपने नुकीले दांत से, नुकीले दांत, कुंवर, हाँ वो दांत यहाँ है, देखिए। ए, वापिस करो हमारे दांत, वापिस करो हमें। योर ऑनर, ये कुंवर साहब के दांत नहीं, इनके ड्रैकुला के कॉस्ट्यूम का एक भाग है जो लगाकर ये ड्रैकुला बनकर फिरते रहते हैं यहाँ वहाँ। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि कुंवर साहब और भैरव सिंह अपराधी हैं, किंतु उन्हीं के गले पर जो काटने का निशान है ये इनकी बदौलत नहीं है योर ऑनर, ये किसी और का ही काम है। सुखमणि के पास तहखाने में मुझे ये बॉल पॉइंट पेन का कैप मिला है योर ऑनर, और ऊपर हॉल में ये नोट का है। आपकी अनुमति हो तो मैं भैरव सिंह को कटघरे में बुलाकर पूछूं कि ये क्या है। हुकुम, पेन का तो पता नहीं, लेकिन ये डायरी माधव जी की है। ऑर्डर, ऑर्डर। उस रात जब मैं कुंवर साहब को रोकने के लिए तहखाने में गया था तो यही आए हुए थे। चलिए भैरव सिंह जी, जब केडी सर ने कुंवर साहब को रिहा करवाई दिया तो एक अच्छा सा आर्टिकल तो बनता है। क्या मैं कुंवर जी का एक इंटरव्यू ले सकता हूँ अपने समाचार पत्र के लिए? मैं पूछ के आता हूँ कुंवर साहब से। और जब नीचे आया तो माधव जी जा चुके थे। अरे, ये कहाँ चले गए? और फिर जब मैं तहखाने पहुंचा सुखमणि को देखने, हाँ
ये इसके गले पर काटने का निशान कहां से आ गया? हुकुम, इससे पहले कि मैं कुछ करता, इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंच गए और सुखमणि को ढूंढते ढूंढते तहखाने पहुंच गए, लेकिन डर के मारे मैंने उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। इस वजह से कहीं तहखाने के खजाने का राज बाहर के लोगों को पता ना चल जाए। ये क्या 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 कैसा कैसा खजाना है ये? क्या बात? हुकुम, वो कुंवर साहब का पुश्तैनी खजाना है जिसे हमने सरकार के सामने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, और यही वजह है कि चोर डाकुओं का खतरा बना रहता है, और इसीलिए कुंवर साहब के पिशाच होने की बात से हम लोगों को दूर रखते हैं ताकि खजाने को सुरक्षित रखा जा सके, और यही वजह है कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा सलूक किया। हुकुम, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, और यह अदालत मुझे जो भी सजा देनी चाहे मैं भुगतने को तैयार हूँ। तो फिर खूनी कौन है? चमगादड़, किलर बैट, योर ऑनर, या ये नोटबुक माधव जी की है? आपकी अनुमति हो तो माधव जी को बुलाकर पूछूं इसके बारे में। माधव जी, आप उस रात कुंवर साहब का इंटरव्यू लेने गए थे, इंटरव्यू लिए बिना ही वहाँ से भाग लिए, क्यों? ऐसा? वो मुझे कुछ अर्जेंट में कहीं और जगह जाना पड़ा। अर्जेंट में कहीं जाना पड़ा? कहाँ? नीचे तहखाने में सुखमणी के पास? क्या, अगर सुखमणी को मैंने वहाँ देखा होता तो उसे रिहा ना कर देता? आपका ये पेन का कैप वहाँ कैसे आया जब आप वहाँ गए नहीं? कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी पेन का कैप है? ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमने जब पता किया तो पता चला कि ये ग्रे हाउंड पेन कंपनी का जैग 22 मॉडल का पेन है जिसका ये कैप है, और ये आपकी डायरी है, इसमें जो लिखावट है फोरेंसिक्स का कहना है कि वो भी ग्रे हाउंड बॉल पॉइंट कंपनी के जैग 22 पेन की लिखावट है, तो ये सब कुल मिला के यही संकेत देती है कि ये आपकी पेन का कैप है। मुझे नहीं पता कि मेरे पेन का ढक्कन वहां कैसे गया, शायद भैरव सिंह गलती से ले गया हो। नहीं, गलती तो भैरव सिंह और कुंवर साहब से हुई है कि उन दोनों ने आपको पहचाना नहीं। मतलब ये कि आपके बारे में भी छानबीन की तो पता चला कि वर्षों पहले आप कुंवर साहब का इंटरव्यू लेने को उत्साहित थे इनके ड्रैक्यूला वाले विषय को लेकर, तो आप इनके पास गए, लेकिन इन्होंने आपको टाला, और उसी समय में आपके जो प्रतिद्वंदी प्रकाशन के पत्रकार थे उन्हें इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। ये आपको कैसे पता? नहीं, केवल इतना नहीं, रुकिए, और भी इस बात को लेकर आपके एडिटर साहब आप पर भड़के, जिसके चलते आपको नौकरी से हाथ धोनी पड़ी, जिसके चलते आपको शराब की लत लगी, जिसके चलते आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई, आपके स्वर्ग जैसा जीवन नरक में बदल गया, और उसी कारण आपने ये षड्यंत्र रचा इनसे बदला लेने का। ऑर्डर, ऑर्डर। नहीं, मैंने नहीं मारा, और इंजीनियर साहब से खतरा मुझे नहीं, विधायक साहब को था, शायद इन्होंने मारा हो। और मुझे अपने सूत्रों द्वारा पता चला कि विधायक का बनाया हुआ ब्रिज पूरा मिलावट से भरा हुआ था। मतलब उसको बनाने में जो भी सामान लगा था वो थर्ड ग्रेड क्वालिटी का था, और विधायक साहब ने अपने मुनाफे के लिए ब्रिज के हर हिस्से में मिलावट की और करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। संक्षेप में आप अदालत को यह संकेत दे रहे हैं कि विधायक जी ने किंचुक दास जी की हत्या की? जी, मुझे गहरा शक। इससे पहले कि विधायक साहब की फाइल वो उसे ऊपर तक पहुंचाए, विधायक साहब ने शायद उसे ही ऊपर पहुंचा दिया। ये तो ठीक है, इसकी जांच पड़ताल करेंगे हम बाद में, लेकिन सुखमणि जी को किसने काटा? विधायक साहब तो वहां थे नहीं उस समय। वो नहीं थे, चमगादड़ था। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि चमगादड़ ही खूनी है, सो आई थिंक योर ऑनर हमें चमगादड़ को पकड़ना चाहिए। वेयर इज द खूनी चमगादड़? सुखमणि, स्वागत है तुम्हारा पिशाच की दुनिया में।
सर सुना आपने, दवे को सुखमणी के घर से कोर के खजाने के दोहार मिले। ये सुखमणी जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस केस में मेरा दिमाग ही नहीं चल। चमगादड़ का काटना, फिर उसका असर दवे और सुखमणी पर होना, पहले हमारा शक माधव पर था। इंजीनियर साहब से खतरा मुझे नहीं, विधायक साहब को था। और विधायक फरार, सब हम क्या करें? हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है दवे करेगा। मैंने सुना है कि दवे को ये पता लगा है कि वो विधायक गगन सिंह का सीतापुर में कोई खुफिया गोदाम है, देखते हैं वहां से क्या प्राप्त होता है। तो ये है उस विधायक का खुफिया गोदाम, तलाशी लो अच्छे से। साहब यहां तो कुछ भी नहीं मिला। सर रेती और सीमेंट का गोदाम है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का मटेरियल है। जब्त कर लो। जी सर। जांच करो। जी सर। इसको चेक किया? नहीं सर। ताला तोड़ो उसका। जी सर। विधायक साहब को तो पूछते हैं। जैसा मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर आप वहां से भागे क्यों? मुझे लगा कि वो ब्रिज की वजह से शायद मुझे पकड़ रहे हैं। मैंने ब्रिज बनाने के लिए मिलावट जरूर की थी, लेकिन मैंने इंजीनियर को नहीं मारा। फिर आपके गोदाम से ये जो यंत्र पाए गए हैं, इसे कैसे समझाएंगे आप? क्या है ये मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये चमगादड़ के दांतों से बना हुआ हथियार, और ये उस हथियार का उपयोग करने के बाद इसी यंत्र से शरीर में से खून निकाला जाता है योर ऑनर, जिससे अब स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से किंचुक दास जी के शरीर से 4 लीटर खून लापता हुआ। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, इस थैली में जो खून पाया गया है, फोरेंसिक्स के अनुसार ये किंचुक दास जी का ही लहू है, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि किंचुक दास जी की हत्या इन्होंने की है। यही है विधायक जी, है बैरागढ़ के पिशाच। ऑर्डर। सॉरी, लेकिन वो सुखमणी जी को दौरा पड़ा था अदालत में, उसका क्या? उचित प्रश्न जायसवाल साहब। आक्रमणकर्ता ने सुखमणी जी के गले पर कॉर्टिस्टेरॉइड नामक एक ड्रग लगा दिया था उनके जख्म पर, जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा। योर ऑनर, ऐसा ही प्रभाव इंस्पेक्टर दवे पर भी पड़ा था, जब उन्होंने रुक्मणी के गले के जख्म को छूने के बाद भूल से अपना जख्म छू लिया था। नहीं सर, मैंने ब्रिज बनाने में घोटाला जरूर किया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये दांत, ये सब जैसा, ये सब मेरा नहीं है। पता नहीं क्यों विधायक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सत्य बोल रहे हैं। 24 फरवरी की रात को आप कहां थे? सर 24 और 25 को तो हम जयपुर में थे, अपनी बहन की शादी के लिए गया था मैं। और इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ सब सबूत है ना, ये मोबाइल, इसमें उस दिन कुछ फोटो ली गई थी, आप इन फोटो को देख सकते हैं तारीख के साथ।
धन्यवाद। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ क्षण चाहूंगा अदालत से। अनुमति? योर ऑनर, मैं माधव सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आपने सिर्फ मेरी डायरी देख के ये फैसला कर लिया कि मैं इन सब चीजों के पीछे हूं, क्या बात? आप एक क्राइम रिपोर्टर हैं माधव सिंह जी, तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि अगर हाथ भारी हो लिखावट में तो चाहे पन्ना फाड़ भी दो, नीचे वाले पन्ने पे रह जाता है उसका छाप। और यही हुआ आपके साथ। आपकी डायरी में ये देखिए, आप ही के हस्तलिपि में लिखा हुआ है 36 बंसीवाला रोड सीतापुर, विधायक गगन सिंह जी के सीतापुर वाले गोदाम का पता। वो ये पता हमने सिर्फ अपनी छानबीन के लिए ढूंढा था बस। तो केवल आप ही इस गोदाम के बारे में जानते थे, लेकिन पुलिस को आपने इस गोदाम के बारे में नहीं बताया क्योंकि आपको भय था कि आप फंस जाएंगे, पुलिस कहेगी कि ये सारा जो सामान है लहू निकालने का, वो दांत चिमगादड़ के, ये आप ही का किया धरा है। आपने गगन सिंह जी को फंसाने के लिए ये सारा माल वहां रोपित किया है। मैंने नहीं रखा है और मैं गया भी नहीं हूँ वहां पे एक बार भी। हाँ नहीं नहीं, वो जो भी हो, एक दिलचस्प बात ये है कि वहां से किसी व्यक्ति के उंगलियों के छाप हमें प्राप्त हुए हैं इस सारे सामान के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवाई जाए तो आपके फिंगरप्रिंट से वो अवश्य मैच करे। मेरे? नामुमकिन सर। नहीं नहीं, मुमकिन है ना, आप गए थे, आपने ये सारा सामान वहां रोपित किया तो आपके उंगलियों के छाप तो वहां आएंगे ही ना। अरे जब मैं गया ही नहीं तो उस संदूक में मेरे निशान हो ही कैसे सकते हैं सर? जब आप गए ही नहीं वहां तो आपको कैसे पता कि ये सारा सामान संदूक में रखा था? अब आप तो इतने निपुण क्राइम रिपोर्टर हैं, अदालत की आगे की कार्यवाही तो आप समझ ही गए होंगे। करिए बताइए न्यायाधीश महोदय को। उम्र के दोगलेपन से मेरी नौकरी गई, मेरी बीवी गई, मेरा सब कुछ चला गया। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि कुंवर, अपने आप को बहुत बड़ा पिशाच समझता हूं, मैं बनाता हूं इसे असली का पिशाच। उस रात मैंने ड्राइवर से बोल के गाड़ी के खराब होने का नाटक किया और इन सबको हवेली ले गया। सुरत मैंने किंचुक पे हमला किया, उसे मारा और एक इंजेक्शन के द्वारा उसका खून थैली में भर दिया। केडी ने कुंवर को बचा दिया। अपना बदला लेने के लिए मैं फिर से हवेली गया और इत्तफाकन कुंवर सुखमनी को लेके आ रहे थे और मैंने मौका पाकर सुखमनी पे हमला कर दिया। वह चमगादड़ के दांत के निशान बनाए ताकि सब लोग यही समझे कि यह भी पिशाच बनने वाली है और वहां से भाग गया। जी माधव सिंह जी, आपको लगा था कि आप विधायक गगन सिंह जी को फंसा देंगे और हम आप तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आप भूल गए कि सत्य पर पड़े पर्दे को समय की घटा कभी ना कभी तो उड़ा ही देता है। तो डिफेंस रेस्ट चलो। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत किंचुक दास के कत्ल के सिलसिले में माधव सिंह को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और कुंवर लाल प्रताप सिंह को बाइज्जत बरी करती है, परंतु उन पर किडनैपिंग का मुकदमा जारी रहे। द केस इज क्लोज्ड।